और जब उसे होश आया तो उसके सामने उसकी दुल्हन एक भूतनी के रूप में बैठी थी और उसने दूल्हे से कहा, घूंघट में भूतनी, दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसे सुंदर दुल्हन मिले, लेकिन सोचिए अगर शादी के बाद घूंघट उठाते ही वो दुल्हन भूतनी निकले तो आपका क्या हाल होगा? आपका तो पता नहीं, लेकिन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक शिवपुरी नाम का गांव है जहां ऐसा ही कुछ हुआ है। आइए आपको ये पूरा किस्सा सुनाने लेकर चलते हैं शिवपुरी नाम के इस गांव में। स्थानीय लोग बताते हैं कि बहुत साल पहले इस गांव में एक नौजवान की शादी हुई और जब बारात वापस दुल्हन लेकर लौट रही थी उस समय में डोली में बिठाकर दुल्हन को विदा करने का प्रचलन था। जब डोली उठाने वाले रास्ते में थक गए तो उन्होंने इस डोली को एक पेड़ के नीचे रख दिया और आराम करने लगे। वो लोग थके हुए थे तो उनकी आंख लग गई। कहा जाता है कि इसी दौरान एक भूतनी ने उस दुल्हन को मारकर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। इस वाकये के बारे में किसी को भी पता नहीं चला और डोली दूल्हे के घर पहुंच गई। रात को जब दूल्हा सुहागरात में अपने कमरे में गया और जैसे ही दुल्हन का चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाने लगा तो अचानक उसे जोरदार प्यास लगी और उसने पानी पीने की इच्छा जताई तो उस दुल्हन ने वहां बैठे बैठे ही अपने हाथ लंबे किए और पानी का लोटा भर लाई। इतना देखते ही दूल्हे के मानो होश उड़ गए और वो जमीन पर गिरकर वही बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो उसके सामने उसकी दुल्हन एक भूतनी के रूप में बैठी थी और उसने दूल्हे से कहा, तुम मेरा राज जान चुके हो, इसीलिए मैं अभी यहाँ तुम्हारे पास नहीं रह सकती। अगर मैं यहाँ रुकी तो तुम्हारी जान जा सकती है। मैं इस गांव में दुल्हन की तरह आई हूँ और आज से ये सारा गांव मेरे निगरानी में रहेगा। सारे गांव वालों को बता दो कि वो अपने घर में रखा चूल्हा अगर उत्तर दिशा में हो तो उसे तुरंत दक्षिण दिशा में करे, जिससे गांव उन्नति और विकास करेगा। भूतनी के ये कहते ही वो गायब हो गई और उस दूल्हे ने सारी बात गांव वालों को बताई और सारे गांव वालों ने चूल्हे की दिशा दक्षिण में कर दी। शास्त्रों में बताया जाता है कि चूल्हे को दक्षिण में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये अशुभ माना जाता है, क्योंकि भूतों और यमराज की दिशा दक्षिण दिशा होती है। सामान्यतः चूल्हे को कभी भी इस दिशा में नहीं रखते, लेकिन इस गांव के लोग कहीं भी चले जाए लेकिन अपने घर के चूल्हे की दिशा आज भी दक्षिण में ही रखते हैं।